हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप सभी के एमटी मिक्स टीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि आपके पास कोई इमेज ऐसा है जिसे आप व्हाट्सएप पे डीपी लगाना चाहते हैं लेकिन आपको क्रॉप करना पड़ जाता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको बिना क्रॉप करे अपने इमेज को लगा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि कैसे आपको क्रॉप करना पड़ जाता है। अगर आपके पास कोई भी एक इमेज होता है, जैसे मैं कोई इमेज यहाँ से चूज़ कर ले रहा हूँ जो कि फुल इमेज है, एक मिनट, यहाँ से मैंने ये वाला इमेज चूज कर लिया है और ये इमेज जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जिस टाइप से आपको क्रॉप कर लगाना पड़ता है, यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ इसे फुल लगाना तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप पे ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे मैं इस इमेज को फुल अपना डीपी बना सकूँ, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होगा और कहाँ से होगा मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम इसे फुल सेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का यूज कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए बैक आ जाते हैं और फिर से अपने व्हाट्सअप को, सॉरी, अपने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जिसमें हमें इस फ़ोटो को एडिट करना है। तो इस एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करके आपको आ जाना है अपने गैलरी में। यहाँ से आप अपने फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए जिसे आपको लगाना है अपने व्हाट्सअप के डीपी पर। तो यहाँ से मैं वही वाला पिक चूज़ कर लेता हूँ जो नहीं लग रहा था। तो ये ऐसा ही कुछ इस टाइप का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पर, और आपको थोड़ा सा इसे अच्छी लुक देने के लिए यहाँ से आप बैकग्राउंड में कोई कलर लगा सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज चलिए लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज पर मैं क्लिक कर दूँगा और फिर मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक फ़ोन और एक इंटरनेट। अगर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाहते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड, तो वहाँ इंटरनेट पे क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन मैं ऑफलाइन में ले रहा हूँ यहाँ फ़ोन से। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप कोई सा भी चूज कर आप वहाँ पर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। चलिए मैं जैसे कि ये स्टोन वाला चूज़ कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लग गया है, लेकिन ये थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा लगा लेता हूँ। आपका जैसा पिक होगा उसी हिसाब से आपको लुक देना होगा यहाँ पर, जिससे आपका फ़ोटो थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं ये और दूसरा कुछ चूज़ कर ले रहा हूँ, ये ग्रीन वाला अच्छा है, ये इसे मैं, ये देखिए कुछ सही लग रहा है। यहाँ पर मैंने इसे चूज़ कर लिया और थोड़ा साइड में आपको थोड़ा खाली खाली दिख रहा है जो कॉर्नर हो एकदम से ऊपर ऊपर, तो यहाँ से आप फ़ोटो फ्रेम भी चूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोटो फ्रेम में यहाँ पर देखिए कई सारे आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई सा भी फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेम तो पूरा ढक दे रहा है, इसे तो मुझे क्रॉप करना ही पड़ रहा है यहाँ पर। कोई नहीं, हमें अपने फ्रेम को चेंज करना होगा, तो चलिए सॉरी, यहाँ पर आ जाते हैं, कोई और फ्रेम चूज़ कर लेते हैं जिसका बॉर्डर जो हो वो थोड़ा पतला हो। ये कुछ सही है, फिर भी कुछ ढक दे रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा, एक मिनट, मैं कोई और वाला भी चूज़ कर लूँ, ये तो ढक दे रहा, देखिए सर ढक जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए मैं फिर से इसे दूसरा सा अपना चेंज कर लेता हूँ जिसमें बॉर्डर पतला हो, और ये कोई ये वाला देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं ढका जा रहा है और बॉर्डर भी आपका थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, तो वायर टाइप का, तो ये अच्छा लग रहा है, ये नाइस लुकिंग है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है एकदम लास्ट में, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट प्रोसेसिंग करके ये आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप डीपी पर ला देगा। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ये अब लग सकता है, यहाँ पर आपको कोई सा भी थोड़ा सा भी क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं, आपको कोई सा भी क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिट हो गया है आपके व्हाट्सअप के डीपी के लिए। तो यहाँ पर कोई भी क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करते ही ये आपका व्हाट्सअप डीपी लग जाएगा, आपको कोई भी इसमें क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको ये फुल फ़ोटो मिल गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है और कहाँ से। आपको प्ले स्टोर पर यहाँ पर लिख देना है व्हाट्सअप क्रॉप, और लिखने के बाद सर्च कर देना है, जो भी पहला एप्लीकेशन आता है उसी पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर आप लोगों भी देख सकते हैं और फिर इसे कर लीजिए इंस्टॉल सिंपली। तो चलिए मैं थोड़ा इंस्टॉल पर क्लिक करके दिखा दूँ कितने एमबी की एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है 6.5 MB का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर करें। अगर मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।